हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्यूटर अभी। सो गाइस, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। एंड गाइस, आज के मैं इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लर्न करने का एक ट्रिक डिस्कस करने जा रहे हैं। सो गाइस, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हैं वो हम राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। एंड इसमें क्या होता है, एक राइट एंगल होता है, इस राइट एंगल के सामने जो साइड होता है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल में सबसे लॉन्गेस्ट साइड होगा उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। देन जिस एंगल को हम एंगल ऑफ रेफरेंस मानते हैं, उस एंगल के सामने जो साइड होता है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, एंड जो बची है उसको हम बोलते हैं बेस। देन इसके रिगार्डिंग हम जो एंगल ऑफ रेफरेंस मानते हैं ए को, उसके रिगार्डिंग हमने कुछ एंगल डिस्कस किए थे जिसको हम बोलते हैं साइन ए, कॉज ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए एंड कॉट ए। इनके फॉर्मूला डिस्कस किया था कि साइन ए होता है B से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेन्यूज, B से बेस, हाइपोटेन्यूज, एंड ये था हमारा साइन, कॉस, टेन, देन कॉसेक, सेक, कॉट। तो यहाँ पे आपको एक रिलेशन दिख रहा होगा कि साइन क्या है, P अपॉन H है। तो कॉसेक में क्या है, P नीचे चला गया एंड ये H ऊपर चला गया। सिमिलरली कॉस ए और सेक ए में रिलेशन है, B नीचे H ऊपर। यहाँ पे सेम रिलेशन है, P नीचे B ऊपर। तो यहाँ से एक चीज हम देख सकते हैं कि साइन ए क्या है, साइन ए को हम बोल सकते हैं वन अपॉन कॉसेक ए, या फिर इसका उल्टा हो गया, cos a is equal to 1 upon sin a, means इनका रिवर्स है। तो रिवर्स का मीन्स 1 upon हो जाता है। अब सपोज क्या है, tan a is equal to 1, ये p upon b है। तो अगर हम 1 upon tan a फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, 1 upon p upon b, एंड यहाँ से ये b चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, b upon p हो जाएगा ये। तो b upon p क्या है, हमारे पास cot a है। तो ये रिलेशन हो गया कि cot a is equal to 1 upon tan a, या फिर tan a is equal to 1 upon cot a। सिमिलरली यहाँ पे cos a is equal to 1 upon sec a, sec a is equal to 1 upon cos a। सिमिलरली यहाँ पर है sin a is equal to 1 upon cos a k, and cos a k is equal to 1 upon sin a। तो ये फॉर्मूला हम आगे फर्दर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से आपको एक बस रिलेशन बताया गया है कि p एंड h का ये क्या है, क्रॉस है यहाँ पे b और h, तो ये क्या है, एक दूसरे के 1 upon के फॉर्म में है ये, sin a is equal to 1 upon cos a k। तो इस फॉर्मूला को हम अभी आगे और डिस्कस करेंगे। तो इनको अब लर्न करने का क्या ट्रिक है, सो लर्न करने का ये ट्रिक है कि ऊपर हमने पहले इन तीनों का फॉर्मूला लिख लिया, किसका, साइन ए, कॉस ए एंड टेन ए, ये जो है इन तीनों का हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया। पी अपॉन एच, ये रहा हमारे पास पी अपॉन एच साइन का, देन ये रहा बी अपॉन एच, देन ये रहा हमारे पास पी अपॉन बी। तो आ गया पी अपॉन एच, बी अपॉन एच, पी अपॉन बी। अब इनको लर्न करने का क्या ट्रिक है, लर्न करने का ट्रिक है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये फॉर्मूला आपको किसी बुक में भी मिल सकता है, या फिर अगर आप गूगल पे सर्च करें वहां भी आपको ये ट्रिक मिल जाएगा। तो ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अगर आप ये लाइन को याद कर लेंगे, सेंटेंस को अगर आप लर्न कर लेंगे, तो इससे क्या होगा कि फर्स्ट वर्ड है पंडित, पंडित मीन्स परपेंडिकुलर, पी मीन्स फर्स्ट लेटर इसका, पी पी, देन यहाँ पे क्या है बी, फर्स्ट लेटर बी बी, देन यहाँ पे अगेन पी है, तो ये पी और ये पी फर्स्ट लेटर, देन यहाँ पे एच, तो एच और एच फर्स्ट लेटर, ये एच और एच फर्स्ट लेटर, एंड ये बी और बी फर्स्ट लेटर। तो ये लर्न करने के बाद आपको अगर ये लर्न हो गया पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, मीन्स ऐसे हो गया पंडित बद्री प्रसाद, अब नीचे ये हर हर भोले, तो ये फॉर्मूला आपको हो गया पी बी पी एच एच पी। एंड ये अभी किस में है, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट वाला हमारे पास साइन का, सेकेंड हमारे पास कॉस का फॉर्मूला, थर्ड है हमारे पास टेन का फॉर्मूला। अब इनका रेसिप्रोकल मीन्स एच अपॉन बी किसका हो जाएगा, कॉसे का, एच अपॉन बी सेक का, एंड बी अपॉन पी कॉटे का। तो ये हो गया एक ट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लर्न करने का, इसके हेल्प से आप लर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पंडित बद्री प्रसाद यूज करें, आप बी से कोई भी नेम यूज कर सकते हैं, पी से कुछ भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। मीन्स एक आप ऐसे सेंटेंस का क्रिएट कर ले जिसमें छह वर्ड हो और छह वर्ड एक एक को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो इससे आपको बहुत ही इजिली लर्न हो जाएगा ये। मे बी आपको एक बार में याद ना हो, लेकिन अगर आप इसमें कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे तो उससे ये बहुत ईजिली आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम डिस्कस करते हैं। सो गाइज, यहाँ पे टोटल फोर पॉइंट्स हैं इसके जो हम डिस्कस करेंगे अभी। फर्स्ट पॉइंट है ईच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज अ रियल नंबर एंड हैज नो यूनिट। मीन्स रेशियो मीन्स जैसे कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेस, जो पर अभी हमने डिस्कस किया। तो ये जो रेशियो होगा, इस रेशियो की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, हमेशा एक रियल नंबर होगा, एंड इसका कोई यूनिट नहीं होता है। लाइक यहाँ पे ये क्या है, बेस है,
ये हो गया हमारे पास हाइपोटन्यूज, ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर। तो इनका जो रेशियो होगा इसका कोई, ये रेशियो हमेशा रियल नंबर होता है और इसका कोई यूनिट नहीं होगा। लाइक अगर डिस्टेंस का मेजर करते हैं तो वो होता है सेंटीमीटर मीटर, लेकिन इसमें कोई इसका यूनिट नहीं है, उसी को हम यूनिट बोलते हैं। लाइक टेम्परेचर हो गया तो उसको केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट, लेकिन इसका कोई यहाँ पे यूनिट नहीं है। सेकेंड पॉइंट है द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ट्राइंगल। मीन्स अब ये जो रेशियो है तो ये हम अब जैसे कि पी अपॉन एच है तो ये किसी भी एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किसी भी सॉरी साइज पे। ये जो ट्राइंगल है हमारे पास तो इस ट्राइंगल के साइज पे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिपेंड नहीं करता है। ये हमारे पास क्या हो गया, सेकेंड पॉइंट हो गया। तो ये जो पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं ये आपको अगर एमसीक्यू टेस्ट होगा कहीं पे तो वहां पे आपको ये पॉइंट्स हेल्प कर सकता है। हमारे पास थर्ड पॉइंट है द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल इफ द एंगल रिमेन सेम। अब सपोज ये एंगल है, ये एंगल है, तो अगर ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री है तो अगर हम इस साइज को, ये जो इसका साइज है, इसको अगर हम रिड्यूस भी कर दें लेकिन एंगल तो सेम ही रहेगा, इस साइज को एक्सटेंड भी कर देंगे लेकिन एंगल तो सेम ही रहेगा। तो वही थर्ड पॉइंट हमारे पास कि अब सपोज साइज इतना हो, ये भी 30 डिग्री है, इतना बड़ा साइज हो, ये भी हमारे पास 30 डिग्री होगा, और भी ग्रेटर साइज ले रहे हैं, इतना ट्राइंगल ले, लेकिन ये भी हमेशा 30 डिग्री ही रहेगा। तो ये डिस्कस, यही पॉइंट है यहाँ पे कि ट्राइंगल का साइज अगर वेरी करेगा तो ये नेसेसरी नहीं है, ये कम है ही नहीं कि उसका जो एंगल है वो भी चेंज होगा, एंगल हमेशा सेम ही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट एंगल ट्राइंगल। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो ये 90 डिग्री के जो सामने वाला साइड होता है इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, और ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल का। सो द वैल्यू ऑफ साइन और कॉज इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। अब ये पॉइंट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया पंडित बद्री प्रसाद, ये नीचे आ जाएगा हर हर, ये आ जाएगा भोले। तो सबसे पहला साइन का है, साइन का क्या है, पी अपॉन बी मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन, अपॉन में हाइपोटेन्यूज एंड हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो P अपॉन जो H है, तो H अगर सबसे लॉन्गेस्ट है मीन्स कि H की वैल्यू P से ग्रेटर होगा, तो ग्रेटर है तो अपॉन में आ गया, मीन्स ये डिवाइड होगा यहाँ पे। तो सपोज अगर H की वैल्यू 2 होती है तो 1/2 ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0.5, क्योंकि P की वैल्यू 1 इसीलिए लिया है क्योंकि P की वैल्यू H से लेस होनी चाहिए, तो ये 1/2 हो गया। तो यही यहाँ पे है कि जो वैल्यू होगा साइन ए का, अब यहाँ पर ये पी अपॉन एच हो गया तो इसकी वैल्यू हो गया, या फिर कॉस में, कॉस में भी नीचे हाइपोटेन्यूज आ रहा है, तो इनकी वैल्यू हमेशा लेस देन और मे बी इक्वल टू 1 होगा। देखिए वहां पे 1 2 आ गया, पी की वैल्यू, हम पी की वैल्यू जो भी होगा उससे हमेशा ग्रेटर ही होगा एच, तो ग्रेटर अगर नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि जो उनका रेशियो होगा वो कम हो जाएगा। अब सेम है, वेयर इज द वैल्यू ऑफ सेक ए और कॉस ए के। अब यहाँ पे सेक ए का क्या होता है, ये साइन या कॉस या टेन, ये हो जाता है हमारे पास कॉस एक, ये हो जाता है हमारे पास सेक ए। तो b अपॉन एच है तो सेक क्या हो जाएगा, h अपॉन b हो जाएगा। अब h क्या है हमारे पास, h हो गया हमारे पास ग्रेटर और b हो गया हमारे पास स्मॉलर, तो नीचे स्मॉलर ऊपर ग्रेटर है, तो लाइक हो गया हमारे पास मान लेते हैं हम 3/2, तो 3 ग्रेटर हो गया h, 2 स्मॉलर हो गया, तो इसका इसके क्या हो जाएगा सॉल्व करके 1.5। तो यही यहाँ पे बोला गया कि sec a एंड cos a के दोनों में hh ऊपर आ रहा है इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा। एंड हम जो लास्ट वाला है पी अपॉन बी, ये होगा हमारे पास टैन एंड कॉट का, तो इसके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि पी और बी का जो रेशियो है वो चेंज हो सकता है। सो हम इसके लिए कुछ भी नहीं बोल सकते हैं कि ये 1 होगा या 1 से ग्रेटर होगा या 1 से स्मॉलर होगा। सो गाइज आई होप कि आपको ये जो ट्रिक था ये क्लियर हो गया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले वाला, कि हम कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लर्न कर सकते हैं। अब इन रेशियोज के बेसिस पे जो क्वेश्चन होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इसके इस पे जो क्वेश्चन आते हैं वो भी उसमें इनका हेल्प होगा, उसमें इसका नीड होगा, इसके जो क्वेश्चंस होंगे उसमें इनका नीड होगा। तो आप ये ट्रिक को लर्न कर लें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, एंड ये भी सिक्वेंस भी लर्न कर लें कि पी बी पी एच एच बी आएगा, और मे बी आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पंडित है तो यहाँ पर अगर आपका कोई और नेम है, कोई और अगर आपका नेम ऐसा कोई वर्ड है जो आपको इजिली लर्न हो जाएगा, जो आपके लिए सुटेबल है, तो उस वर्ड को भी आप यहाँ यूज कर सकते हैं। बी के जगह आप कोई भी नेम यूज कर सकते हैं, बी बद्री है, बी से भुवन हो गया, कुछ भी आप ऐसे नेम यूज कर सकते हैं यहाँ पे।
प्रसाद की जगह भी आप पी से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे है नीचे वाला तो हर हर भोले, तो ये तो ऑब्वियस, ये तो सबको लर्न हो ही जाना चाहिए हर हर भोले वर्ड। ऊपर वाले में आप कोई भी नेम चेंज कर सकते हैं एंड देन उसकी हेल्प से आप इसको, इस फॉर्मूला को याद कर ले। एंड ये सिंपल है साइन का, इसका रिवर्स हो जाएगा हमारे पास, ये साइन, ये कॉस, ये टैन, इसका रिवर्स हो जाएगा क्या, कॉसेक सेक कॉट। तो आप ये लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर एक और होता है पाइथागोरस थ्योरम, उसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड इस वीडियो को उन बच्चों को जरूर शेयर करें जिनके अभी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, उन्हें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वीक है उनका, तो इन सब चीज़ों का साइन कॉस टेन कॉस एक्स कॉट का इनका यूज़ आगे डिफरेंशिएशन में बहुत आता है। अभी आगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, उनका डायरेक्ट यूज आएगा डिफरेंशिएशन में। तो आप अगर आपके कोई रिलेटिव, कोई फ्रेंड्स हैं नाइन्थ क्लास या फिर नाइन्थ से ऊपर, नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ देन वो कॉलेज में अगर उनका मैथमेटिक्स है, तो उन बच्चों को जरूर शेयर करें, क्योंकि ये जितना इनका ये जो प्लेलिस्ट चल रहा है अभी, इस प्लेलिस्ट में हम अभी ट्रिग्नोमेट्रिक डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन फिर ट्रिग्नोमेट्रिक एंड होने के बाद हम फिर डिफरेंशिएशन डिस्कस करेंगे, देन हम इंटीग्रेशन डिस्कस करेंगे। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।